शुभंकर जी आपकी बात मैंने समझ ली कि मुद्दे कुछ और हैं, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश ना की जाए, लेकिन क्या रोहित चहल ये इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या इससे कॉन्फिडेंस है या शेकन अप है, या दिखता है या नहीं दिखता? देखिए दिनेश जी, ममता जी की जो राजनीतिक शुरुआत हुई थी वो नंदीग्राम से हुई थी, और राजनीतिक अंत भी जो ममता जी का होने जा रहा है वो नंदीग्राम की धरती पर ही होने जा रहा है। आप ये बात लिख के रख लीजिएगा, 2 मई ममता दीदी गई, क्योंकि ममता दीदी को भी भाप चुकी। ममता दीदी ने जिस तरीके से आज वो भवानीपुर की सीट छोड़कर भागी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से जो उनका रिपोर्ट कार्ड है उसमें पूरी तरीके से फेल हुई हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, लेकिन ममता जी पास जरूर हुई हैं, तुष्टिकरण में जरूर पास हुई हैं, पॉलिटिकल वायलेंस में पास हुई हैं। जिस तरीके से हमने देखा ममता दीदी की माँ, जिस तरीके से हमने देखा माँ को पीटा जा रहा है, और बंगाल की धरती को जिस तरीके से निर्दोषों का टीका खून से, निर्दोषों के खून से बंगाल की धरती को टीका लगाया जा रहा है, जो निर्दोष हमारे भाई बहन है बंगाल के, इस तरीके की आज बंगाल में जो स्थिति हो चुकी है, रोहित चहल, लेकिन आपको क्या लगता है क्या यहाँ उनके लिए कम चैलेंज है? शुभेंदु अधिकारी जब ये कहते हैं कि आप मुझे यहाँ से लड़ा दीजिए, मैं कम से कम 50,000 वोटों से हराऊंगा, क्या इस कॉन्फिडेंस के साथ जो निकला हुआ बागी है उसके सामने खुद को खड़ा करना, क्या ये नहीं दिखाता कि वो हेड ऑन लेती है चैलेंजेस को, जैसा तौसीफ कह रहे थे? देखिए हेड ऑन तो जब लेती जो आपने उनका रिपोर्ट कार्ड पेश किया भवानीपुर का, मैं उसमें कुछ चीज़ और ऐड कर देता हूँ। 2019 लोकसभा चुनाव का आपने ऐड किया, सिर्फ 3,000 वोटों से वो आगे थी उस सीट के ऊपर लोकसभा 2019 के अंदर। अगर 2014 लोकसभा की बात करें तो 176 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे थी। फिर उनका जो ममता जी का खुद का वार्ड है जहां ममता जी रहती हैं वहां तक पे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट था वो 500 वोटों से आगे था। तो ये अपने आप में बताता है कि ममता जी का जो डर है वो उनको पता है कि उनकी राजनीतिक जमीन हिल चुकी है। और शुभेंदु अधिकारी जी ने जो कहा है, अगर वहां से वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बनते हैं, जो भी पार्टी हमारा तय करेगी, तो उसके बाद देखिएगा तो 50,000 से ज्यादा मार्जिन से हारने जा रही है। आपने बताया कि कुछ जिस तरीके से उनका वोट शेयर पिछले चुनाव से 2011 मुकाबले 16 में किस तरीके से कम, अगर इसको मान भी लें रोहित, पंजाल की रोहित, अगर इसको किस तरीके से रंजित किया, आपने जो डर वाली बात कही है, ममता जी ने लाल किया बंगाल के, माफ़ ठीक है, अगर डर वाली बात को एग्जेजरेशन मान लें कि एक पॉलिटिकल ओपोनेंट इस तरीके से बातें कर रहा है, तो तथ्यात्मक रूप से अगर आप देखें तौसीफ, तथ्य इशारा करते हैं कि जनाधार तृणमूल कांग्रेस का उस जगह पर खिसका है। नहीं, आप 2019 का आंकड़ा देख रहे, अगर उठा लीजिएगा कि जो बीजेपी जो कह रही है कि खिसक रहा है पॉलिटिकल ग्राउंड, तो अगर 2019 में असेंबली सेगमेंट को देखेंगे भानीपुर का, तो उसमें भी तो बीजेपी ट्रेल कर रही थी लगभग 4,000 वोटों से। और ये 2019 के बाद जितने राज्यों में इलेक्शन हुआ है उसमें तथ्य यह बताता है, आंकड़ा यह बताता है कि लोकसभा में जो वोट मिला था बीजेपी को वो राज्य के चुनाव में, असेंबली चुनाव में वो वोट शेयर कम हुआ है 10% के लगभग, जहां जहां चुनाव हुए। तो आप उस ट्रेंड को लेकर के चलेंगे तो उससे यह समझ में आता है कि ये ऑलरेडी जो लगभग 40% का वोट का जिनको बीजेपी जो बड़ा दम भरती है, तो वो तो घटने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो मैंने पहले बताया, ये 4,000 नहीं था, ये 3,000 था, यहां पर 3,000 था, और इसके बिल्कुल बगल में लगी हुई रासबिहारी में वहां पर 5,000 था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।